राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम हैं आपकी आवाज। खरगोन जिले के ग्राम टिमरनी से गुजर रही उद्वहन सिंचाई परियोजना की BR2 नहर की वॉल प्लेट फटने से युवक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 1 महीने से परियोजना के अधिकारियों से वेदा नदी में सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि आज दोपहर लगभग 30 से 40 ग्रामीण नहर के करीब गए, अचानक वॉलों से ब्लास्ट हुआ और प्लेट फटने से 4 लोग इसकी चपेट में आ गए जिसमें बेचान पिता अरुण की मौत हो गई जबकि अन्नू पिता गणेश, सुभाष पिता भगवान और सुनील पिता फूलचंद घायल हो गए हैं। अस्पताल चौकी के प्रभारी प्रधान आरक्षक तेजराम ने बताया कि मर्ग कायम कर भीकनगांव थाने प्रेषित किया जा रहा है। सर एक दम से ना जाने क्या हुआ प्लेट टूटी तो पानी का बहुत भाव बढ़ा तो उसमें से हम दबा दिए। 4 जिसमें से एक की मृत्यु हो गई। क्या नाम उसका? बेचैन यादव। कहाँ के रहने वाले? बैरामपुर के। ऊपर जो इरीगेशन नहर निकली है वहाँ का हादसा है। क्या हुआ क्या था? हम सब किसान बैरामपुर के वहाँ पानी बेचने गए, वहाँ वो पलेट के पास उगे थे, उसमें से मतलब 4-5 लोग पलेट के समूह मतलब पास में चली गई तो वो पलेट मतलब अचानक उड़ी पूरी 4 लोग नंबर मतलब एक की मृत्यु तीन घायल थे। प्लेट का कारण मतलब प्लेट कितनी बड़ी थी? वो तो बहुत बड़ी है, 4x4 ज्यादा होगा, 4x4 हाँ 4x4 की है। वो ऊपर गई कम से कम 150 फीट ऊपर गई और इसमें मतलब हमारे किसान मतलब पानी से प्यासे हमारी फसल पूरी सूख रही है। 7 साल हो गए हमको किसानों को ये पानी के लिए लड़ते लड़ते और आखिरी में मतलब बैरामपुर के किसानों ने जान दी पानी के लिए तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इसमें क्या हादसे में क्या मतलब कितने लोग घायल हुए? किसकी? 4 लोग मतलब 3 लोग घायल है सर और एक की मृत्यु हो गई। क्या कहाँ के थे? बैरामपुर नेमाजे। किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही या तो तिवारी की है या इरीगेशन में जितने भी अधिकारी है इनकी लापरवाही। तिवारी ये बोल रहे सर कि तुम्हारा हमारे कमान एरिया में तुम्हारा बैरामपुर नेमा नहीं है और इरीगेशन वाले भी यही बोल रहे हैं कि तुम्हारा मतलब अधिकार नहीं है हमारी लाइन में। तो सर हमारा फिर अधिकार कहाँ है? ग्राम टेमा क्या खरगोन जिले में है नहीं क्या? हमको इसका इंसाफ चाहिए और जो घायल हुए इनका भी इंसाफ चाहिए और जिसकी मृत्यु हुई है उसका भी मतलब भरपाई करनी पड़ेगी। क्या नाम है? किसकी मौत हो गई? बेचैन यादव। बेचैन यादव बैरामपुर टेमा। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश पटेल, बहरामपुर टेमा। ये जांच का विषय है कि पानी का पाइपलाइन कैसे फट रहा है, इसकी सूचना मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को MDI मोदी को बता दिया गया है और 3 लोग घायल हैं। उन इसमें किसकी मृत्यु हुई? इसमें बेचन पिता अरुण यादव उम्र 22 वर्ष जाति अहिर निवासी टेमा बहरामपुर थाना गोगामा और घायलों में है सुनील पिता फूलचंद और अन्नू पिता गणेश और तीसरा है सुभाष पिता भगवान। ये 3 घायल है जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि इसमें एक प्लेट टूट गई थी और ये तो जांच का विषय है। ये वास्तविकता अधिकारियों को मैंने बता दिया है कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं, TI महोदय को मैंने बता दिया है, वो जांच के देखेंगे जैसी भी स्थिति होगी किस कार्रवाई होगी। ठीक है, अभी किस प्रकार कार्रवाई की जा रही है? ये अभी तो जो मर्ग आया हुआ है बेचैन की मृत्यु हुई है इसका मर्ग कायम जीरो पर कायम करके थाना भीकनगांव भेज दी जाएगी। क्या नाम लिखते हैं? प्रधान आरक्षक तेजराम। भीकनगांव से खबर समय जगत के लिए संजय कुमार गीते की रिपोर्ट पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।